show boy fitness bro, welcome back to your channel and a new video. So guys, आज मैं वीडियो लेके आया हूं वॉल फिट. गाइस जैसे मैंने सिखा था मैं वैसे ही बताऊंगा वॉल फिट कैसे करते हैं इसी तरीके से और आप कहीं भी मैं सीख सकते हो आसान तरीके से. बस आपको चाहिए क्या होगा एक वॉल चाहिए और थोड़ी बैक हैंड भी आनी चाहिए और बैक फिट भी आनी चाहिए तभी आप इसको वॉल फिट ट्राई कर सकते हो. अगर नहीं आती है बैक फ्लिप और बैक हैंड फ्लिप तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ वहाँ से बैक फ्लिप देखो और बैक हैंड फ्लिप सीखो. तो सीखते चलो बल टेंस करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वॉल फ्लिप सीखते हैं आसान आसान तरीके से. एंड दिस गाइस अगर मुझे अगर फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम पर तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो और उसमें मैं हर एक अपडेट देते रहता हूँ तो वहाँ से मुझसे पूछ सकते हो जो भी कन्फ्यूजन आ रही होगी वॉल फ्लिप सीखने में या फिर एनी फ्लिप कोई भी. तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो गाइस मैं आप यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ जैसे कि मैंने बोला था बैक फ्लिप और बैक हैंड फ्लिप आनी चाहिए तो वहीं मैं इसको इसके ऊपर अप्लाई करके एक वॉल फ्लिप बनाऊंगा. तो इस तरीके से काम करते हैं गाइस. आपको पहले साइड मारना है बैक मारना है साइड बैक हैंड फ्लिप मारना है तो मैं वही मारने का ट्राई कर रहा हूँ. तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई नहीं उठाया. आपको इस हाई नहीं उठाना क्योंकि स्टार्टिंग में आपको हाई नहीं उठाना है. एक सिंपल से इजी से आपको सिर्फ अपनी मोड़ना है अपनी बॉडी को मोड़ना है जैसे कि मैंने मोड़ा था देख पा रहे हो आप. फर्स्ट ट्रिक में मारने वाला हूँ थोड़ा ठंड करके मैं बहुत फिर मारने का ट्राई करता हूँ. तो चलो मारते देखते हैं. तो भाई जैसे कि मैंने बोला था कि आपको स्टार्टिंग में हाई नहीं मारना है. स्टार्टिंग में आपको ये हाई वाली नहीं मारना है. आपको सिर्फ नॉर्मल से मारना है अपनी बॉडी को किस तरीके से मोड़ के बैक फ्लिप मारनी है. सो गाइस दूसरी ट्रिक में मैं थोड़ा अपनी बॉडी को हाई कर ऊपर करके और बैक फ्लिप पूरा मारने का ट्राई करूंगा. बैक फ्लिप मारना है इसको बैक फ्लिप में ऐड करना है. अभी हमने बैक हैंड स्प्रिंग की थी तो हम लोग बैक फ्लिप ऐड करेंगे इसमें. तो चलो बैक फ्लिप ऐड करते हैं इसमें. इस तरीके से आपको वॉल फ्लिप गारंटी के साथ आ जाएगी अगर आप इस ट्रिक से करते हो और जल्दी से जल्दी आएगी. क्योंकि गाइस कुछ लोगों को मैंने देखा है वॉल फ्लिप तो मार दिया गाइस बट उनकी वॉल फ्लिप कुछ टेढ़ी सी होती है गाइस बस क्लीन नहीं होती है. गाइस क्लीन वॉल फ्लिप एक ये होती है जो आपका ये वी बन जाए लेग से. सो मैं वो बता रहा हूँ धीरे धीरे. और सबसे ज़रूरी काम है गाइस आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए. वो जो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपको इस तरीके से रोज एक्सरसाइज करनी है 10 से 5. सो चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे मारने का ट्राई करता हूँ. अभी मुझे इसको क्लीन करना है बॉल फ्लिप. गाइस क्लीन इस तरीके से भी आपको ये लग रख के दूसरी लग यहाँ से गाइस गली है यहाँ से सीधी करना है. इस तरीके से सीधी लाना है एंगल एंट्री पॉइंट आपका ये होना चाहिए. ये आपकी लेग सीधी आनी चाहिए एंडिंग टाइम पे. सो ट्राई करते हैं. सो कुछ सही हो रहा है और गाइस आप देख पा रहे होगे क्लीन. मेरा मैं कहने का मतलब है गाइस यहाँ से आपके लेग सीधे हो रहे चाहिए सीधे लैंड करें. सो फिर से देखो और गाइस आपको थोड़ा स्पीड बढ़ानी होगी. अगर स्पीड आप गाइस अगर नहीं बढ़ाते तो आपकी वॉल भी क्लीन नहीं आएगी. जितने भी हो सके आपकी बॉडी को मोड़ना है और ये लेग को सीधा करना है ट्राई करना है सीधा हो जाए. ये जब आप ये लेग मारते हो और इस लेग को थोड़ा स्पीड मारना है. जब स्पीड मारेंगे तो आपकी लेग ऑटोमेटिकली सीधी होने लगेगी. सो मैं फिर से करने वाला हूँ. और जब गाइस आपकी बॉडी क्लीन आपकी लेग सीधी होने लगे एकदम सीधी स्मूथ लैंड होने लगे तो गाइस आपको इस जगह से थोड़ी बॉडी को हाई मतलब थोड़ी वॉल फ्लिप को ऊपर की ओर मारना है. तो गाइस आपको यहाँ से वॉल फ्लिप ऊपर नहीं मारना है आपको यहाँ से बॉल मारना है ऊपर. ये यहाँ ये चीज़ से ऊपर मारना है तब जाएगी बॉडी एकदम क्लीन तो होएगी बट वॉल फ्लिप बहुत अच्छी से ऊपर से निकलेगी क्लीन होकर. एंड दिस गाइस मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ बट फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो भी मारो एकदम क्लीन मारो अच्छी मारो. जो वॉल फ्लिप लगे वो वॉल फ्लिप ना हो वो अजीब वाली नहीं होनी चाहिए एकदम क्लीन वॉल फ्लिप होनी चाहिए. तो फिर से मैं ट्राई कर रहा हूँ इस बार मैं इंशाल्लाह अच्छी मार दूँगा. तो गाइस देख पा रहे हो मैं कैसे मारी मुझे नहीं दिख रहा मुझे नहीं दिख रहा बट आपको मुझे जरूर दिख रहा होगा. तो मैं फिर से मारने वाला हूँ. क्योंकि मैंने बहुत दिनों से वॉल फ्लिप ट्राई नहीं किया
और मैं ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, बट चीज़ें आती है मेरे, मुझे वैसी आई थी मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ, एकदम सेम वैसे ही बता रहा हूँ। तो चलो फिर से ट्राई करते हैं। सो मुझे लगता है ये वाली सही होगी कि मैंने इसका बहुत ज़्यादा पूरा बूता लगा दिया है मैंने। तो एक बार और ट्राई करते हैं। ये वाली होगी गाइस। तो ये वाली मैंने, मुझे लगता है कि मैंने इसमें वही अप्लाई की जो चीज़ें, तो वो मुझे आ गई। तो देखते this video. If you did, make sure you like, comment, share, and subscribe my YouTube channel, and please follow my Instagram Tariq Mehdi. Jump follow kare aur jaldi follow karo, aur mujhe 100k tak jana hai YouTube pe, so jaldi subscribe karo aur aisi video dekhte raho.